सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। गुरुजी मेरे आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ। तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान ही नहीं जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पढ़ा, कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है। जी जी कुरान जो फिर, है फिर क्या हुँ? फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी जब उनने ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये। जी जी आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी फिर उनको औलाद पैदा होती है हाँ। इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, भूल जाता है, भूल जाता है। क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे, लेकिन ईश्वर कहने नहीं नहीं मेरा सच्चा बंदा है वो आज है आजकल आ जाएगा वापस। जी दुनिया नहीं नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी, कहा कुर्बानी हाँ। शब्द कहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊंटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी, अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ। ठीक तो फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज, मतलब नाराज है मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कि इधर से दूसरे चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तो लगे मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियां बीवी करते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी। जी 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी जी तो ये बीवी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना और इस एक रस्सी कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना और इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा गड़गड़ाएगा तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी तब इब्राहिम सलातुसलाम इस्माइल सलातुसलाम को सुबह देखते हैं तो उठ के देखते हैं तो इस्माइल सलातुसलाम पहले से तैयार है। जी उनको हो सकता है जल्दी नींद खुल गई होगी इसलिए जो है खुल गई इनकी। जी जब ये आगे जब उनको जंगल में लेके जाते हैं जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इब्राहिम इस्माइल सलातुसलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ओ अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। जी क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर पतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर। जी जी एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की, उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं हाँ? पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं। जी जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है। ठीक है ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए। जी जी फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर, ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी जी मैं की आवाज आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड अभिमान कुरान का मैं अगर लिखा है मैं का मतलब होता है घमंड। जी कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई। जी तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े हैं। अच्छा सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो। जी मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना, परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं इस्माइल अल्लाह से पूछते अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया हाँ? आपने परीक्षा लिया जानवर का क्या करना है। तब उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 हिस्से करो, एक आप खाओ एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है। तो उसकी इस चीज को उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है हाँ। या बकरा काटना मकसद नहीं है। जी मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद है सर। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन
जी कोई लाई मत बिठाना सर, ये है कुरान मजीद की पावर। देखें किस तरह से एक आम से हिंदुस्तानी ने, और वो मजाहिब से भी हिंदू है, लेकिन उसने कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा है, तब जाके उसको समझ आई है कि अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उस बात पर अमल करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी फेरी। ये पूरा वाकया एक हिंदू ने अपने पंडित के सामने इस तरह से बड़ी दिलजोई से सुनाया है, और ये बताया है कि ये जो जानवरों के कत्ल के नाम पे हर साल बकरईद पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, ये कह के कि जिस तरह से ये जानवरों को मारते हैं उसी तरह से इनको मारा जाए। अगर ये कुरान मजीद का तर्जमा ना पड़ता तो इसको क्या पता कि अरबी में अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या कह रहा है। अल्लाह ताला जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि तू इस्माइल की कुर्बानी कर, अगर ये उर्दू जुबान के अंदर या इंग्लिश जबान के अंदर ट्रांसलेट ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर से क्या कह रहे हैं, और हमें हर साल बकरा ईद पर जो कुर्बान करना है वो किस चीज की याद है, तो हमें कैसे पता चलता। तो ये उन मुफ्त के मुफ्तियों पे, ये समर अब्बास और ये काफी माशाल्लाह से जितने भी तकरीबन फिरके हैं, इन फिरकों में जितने ये भेड़िया जैसे मौलवी बैठे ना जो ये कहते हैं कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ना चाहिए, इस हिंदू भाई ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। क्योंकि अगर ये तर्जमे से कुरान मजीद को ना पढ़ते तब भी इस शख्स को पता चलता कि अरबी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का क्या मामला है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौन सी याद है, आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है, या हमें जानवर काटने का शौक है, क्या गोश्त खाने का शौक है। और आज कोई बंदा खड़ा होकर बोल दे मुसलमान मुफ्ती की यह गलत कह रहा है, वो भी यही कहेंगे कि हाँ ये जो तर्जमा कर रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको पता कैसे चला, ये क्यों नहीं घूम रहा होगा, ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुसलमान हो जाएगा और ना जाने कितने लोग इस वजह से मुसलमान हो जाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कुरान को हमें समझ के पढ़ना चाहिए, तर्जमे से पढ़ना चाहिए, या फिर इन मुफ्तियों जाहिलों पर अमल करना चाहिए जो कहते हैं कुरान को अगर तर्जमे से पढ़ा तो गुमराह हो जाए। दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है, ये करामत थी आपकी, 80 दिन इंसान न खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक इनका रबी ने हुक्म न देता। हुजूर गौसुल सकलैन रहमतुल्लाह ने 15 साल तक रात भर में कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह ने हर रोज डेली 1000 रकअत नफल अदा फरमाते थे। क्या बात है सर, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब ये वीडियो उन अकल के अंधों के लिए है जो ये समझते हैं कि मैं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के जो वली हैं उनकी गुस्ताखी कर रहा हूँ, उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ, लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के वलियों को छोड़ दो, उनके पीछे ना चलो, उनके करामतों को ना मानो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये करामत है अल्लाह के वली की और अल्लाह को ये चीज़ें पसंद हैं तो लाजमी बात है कि किसी न किसी पैगंबर ने भी इसी चीज़ को अपनाया होगा। क्या किसी पैगंबर ने, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी उम्मत है 80-80 दिन तक भूखे रह के अल्लाह की इबादत की, आपने कभी 80 दिन तक भूखे रह के इबादत की हो, पूरी रात में आपने 1000 नवाफिल अदा किए हो और ये फिर नाम दे देते हैं कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी। तो मुझे आप ये बता दें क्या अब्दुल कादिर जिलानी कोई फरिश्ते थे जो 80-80 दिन तक भूखे प्यासे रह लेते थे और इबादतें करते रहते थे, क्योंकि ये चीज तो सिर्फ फरिश्तों को हासिल है, ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, ना उनको भूख लगती है, ना उनको नींद आती, क्योंकि उनके पास जिस्म नहीं है। जो शख्स जिस्म के अंदर मौजूद है उस जिस्म को ताज़ा रखने के लिए पानी की भी जरूरत है, पेट भरने की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है, हंसने की भी जरूरत है, रोने की भी जरूरत है, हर ये तमाम मामला चलते हैं, चलना फिरना उठना बैठना हर चीज। तो या तो फिर तुम ये मान लो कि वो कि अल्लाह के वली नहीं थे, फरिश्ते थे, क्योंकि पैगंबरों के साथ तो ये मामले नहीं थे। अब मुझे आप क्या बोलेंगे, गुस्ताखे औलिया अल्लाह, या बोलेंगे गुस्ताखे पैगंबर, गुस्ताखे नबी।